everyone this is Bhushra Khan welcome to Sama podcast today we have Mr Bureau chief Sama TV with us and we are live also mm -hmm. बात करेंगे इमरान खान की तो इमरान खान को साने नौ मई का मरकजी मुलजम करार दे दिया गया है और जब मैं बात करती हूँ अगेन इमरान खान की तो इमरान खान ने बड़े बड़े सूबों में इश्तहारी मुलजिमों को वजी अला नामजद कर दिया है ये कुछ समझ नहीं आती कि ये किस किस्म का रवैया है खैर बात करेंगे और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी मौलाना रहमान साहब की कि मौलाना रहमान साहब को जो शिकवे हैं वो हकीकत पर मुबनी है या अंदर कुछ और है जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो इश्तहारी मुलिमों को अहम अहदेदों के लिए नामज़द कर रहे हैं वज़ी अला के लिए नामज़द कर रहे हैं तो ये जो एक मजामती रवैया है या इसे हम गैर संजीदा कहें क्या आगे चल रहा है अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं आगाज़ कर लूँ उनके अपने ऊपर जो केस है साना नो मई का अगर आपकी इजाज़त हो तो उससे स्टार्ट कर लेते हैं जी जी देखिए उसमें आपने इंट्रो में कहा कि उन्हें करार दे दिया गया उसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं कि मरकजी मुलजम करार दिया जा रहा है जो okay. मेरे पास इतला है आ, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है जाहिर बात है कि ये कॉन्फिडेंशल है मगर इतने सॉलिड सबूत मिल चुके हैं इतने सॉलिड जो है वो शवाहद मिल चुके हैं इन्वेस्टिगेशन को प्रोसिक्यूशन को जी। के ब्राह रास्त बानी चेयरमैन जो हैं सान नौ मई की प्लानिंग में मुल्वस पाए गए हैं और ठीक हो गया। आ, इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर लेता हूं आ, बानी चेयरमैन जो हैं उन्होंने जूम मीटिंग्स की ज़ूम मीटिंग्स में उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए और उस मीटिंग में शरीक बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप पी छोड़ भी चुके हैं वो भी शामिल थे उन मीटिंग्स में और कुछ इस वक्त जो इश्तहारी हैं जो मफरूर हैं वो भी शामिल थे उन मीटिंग्स में जो ख़वान इस वक्त जेलों में हैं 90 वो भी शामिल थी उन मीटिंग्स में और ब्राह जो है बानी चेयरमैन और कुछ ऐसी मीटिंग्स थी जिसमें बानी चेयरमैन खुद तो मीटिंग कंडक्ट नहीं कर रहे थे मगर उनके बिहाफ पे उनके पैगाम मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो अपनी जूनियर लीडरशिप को अपनी बी कैटेगरी को सी कैटेगरी लीडरशिप और नीचे अपने कारकुन तक वो पैगाम पहुंचाए जा रहे थे और पूरे का पूरा एक प्लान तैयार किया जा रहा था और ये जो पॉइंट्स जहां जहाँ पे हमले हुए हैं ये तमाम तर पॉइंट्स जो हैं ये बानी चेयरमैन पीटीआई ने डिस्कस किए हुए हैं आप जी 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 आप जना हाउस ले लें लाहौर आप अस्क्री टावर लाहौर ले लें उसके बाद आप दूसरे सिटीज में जो कुछ हुआ के, -के में आप देख लें इधर पंजाब में आप देख लें इस्लामाबाद में देख लें और शोहदा की यादगारें जो हैं यहां तक जो है वो डिस्कस हुई तमाम तरफ कि अगर बानी चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाता है तो इन इन पॉइंट्स को टारगेट करना है और बड़ी ही एक तकलीफ दे बात है कि उसमें यहां तक भी डिस्कस हुआ है कि सिर्फ इन पॉइंट्स पर हम आपने हमलावर नहीं होना इनको जला देना है जनाह उसका अगर जिक्र आया तो जो कुछ आपने देखा ये सब कुछ उन मीटिंग्स में डिस्कस हुआ आप ये नहीं कह सकते कि ये एक हादसा हो गया ये मौके के ऊपर किसी धड़े ने या किसी इदारे ने कोई शरारत कर दी इस तरह नहीं था ये पूरा एक प्लान जो है वो मंसूबा था जिसकी पूरी प्लानिंग की गई और उसके लिए मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई इजलास नहीं बुलाए गए ये मुख्तलिफ जूम मीटिंग्स की गई ऑनलाइन मीटिंग्स के दौरान भी यह प्लानिंग जी, जी, तो सबूत और उन जूम मीटिंग्स की इवन रिकॉर्डिंग उसके स्क्रीन शॉट्स सारे उसकी गुफ्तगु ठीक है।, है वो तमाम तर मौजूद है उसको अब डिनाई कर ही नहीं सकते और ये अभी तो जाहिर है कि इलेक्शन का प्रोसेस था और एक जो है वो इलेक्शन फेस्ट फेस्टिविटी चल रही थी और तमाम सिक्योरिटी जो है वो उधर बिजी थी और आ, जो है ड्यूटीज़ थी मुख्तलफ़ इदारों के लोगों की इनको कंडक्ट करने के इलेक्शन को कंडक्ट करने के हवाले से और उनको एक फूल प्रूफ बनाने के हवाले से तो ये मामला थोड़ा सा बज़ाहिर पसे मंज़र में चला गया था मगर अब जो है बड़ी तेज़ी से आ, ये प्रोसेस होने जा रहा है और मेरी इतला के मुताबिक कोई और नहीं यानी कि कोई आ, इनकी कोई लीडरशिप में से किसी ने ये चिंगारी नहीं भड़काई थी ये एक बहुत बड़ा एक घना मंसूबा था जिसमें ब्राह रास्त बारिश शेयरमैन जो हैं उनकी इन्वॉलमेंट वो पाई जा रही है और मैं आपको अगर चंद वाकत उस दिन के याद करवाऊँ हम लोग तो फील्ड में थे जारी बात है हमारी टीमें सारी फील्ड में मौजूद थी हम लोग बर रास्त उसको कवर भी कर रहे थे चीज़ें अपनी आंखों से देख रहे थे बहुत सी चीज़ों के हम आ, एनी शाहद भी हुए मीडिया पर्सनस और फिर हमें इन्वेस्टिगेशन ने बजाबता जो है हमें लेटर्स भी लिखे कि इन इन पॉइंट्स पे जो वाकयात हुए हैं जहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई हैं जहाँ पे असली टावर का वाक़ हुआ है जहाँ पे कोर्ट कमांडर हाउस जना हाउस का वाक्य हुआ है वहाँ पे आपकी जो टीम्स मौजूद थी अगर उन उनका तक हमें एक्सेस दी जाए उन रिपोर्टर्स तक उन कैमरा मैं तक ताकि हम उनसे पूछ सकें कि उन्होंने क्या देखा अपनी आंखों से कैमरे में तो जो उन्होंने रिकॉर्ड किया किया, यहाँ तक जो है उस वक्त ग्राउंड पे हम लोग देख रहे थे चीज़ों को तो बिल्कुल वो एक मनजम मनसूबा था और अल्लाह ताला ने बड़ा ही आ, करम किया उस दिन के आ, बहुत बो, बड़े हादसे से हम लोग बच गए और इंसानी जानवरों का जिया नहीं हुआ खुदा खास था हाँ। मगर पूरी दुनिया में ज्यादा हुई है हमारी जो सुबकी हुई है और पूरी दुनिया में जिस तरह से और हम साया मुल्क में उस दिन एक जशन का समा था और एक वहाँ से जो आवाज आई वो ये थी कि वो काम जो है हमें नहीं करना पड़ा जो इनकी अपनी एक जमात ने कर अपनी एक जमात ने कर दिया तो उसी में जो आप अभी फरमा रही थी जी बिल्कुल वो अभी तक उनका माइंड सेट इन्हीं को से इन्हीं को नॉमिनेट कर दिया है इन्हीं वाकियात के इश्तेहारियों को मफरूरों को आप बड़े सूबों में वजारत आला के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और अभी भी आपकी सोच आपका रवैया वैसे, वैसे वैसे, वैसे उसमें रत्ती बराबर को कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल कल आपने, आपने नाजरीन बिल्कुल को बताया कल और आज प्रोसेस शुरू आज उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए और उसको अठारह अठारह फरवरी को गिरफ्तार करके अदालत ने पेश करने का हुक्म दे दिया उसके बाद आप आ जाए इधर पंजाब में आ जाए और मियाँ इकबाल ठीक है उनकी इन्वॉल्वमेंट इन तमाम मामला से ढकी छुपी है नहीं वो है वो इश्तेहारी हैं मफरूर हैं और आप नॉमिनेट कर रहे हैं वजरे पंजाब के लिए मिया असलम इकबाल को कैसे भाई बिज़ेस यही समझ नहीं आ रही कि आपके पास कोई और किसको दे रहे हैं देखिए या तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आप नौ मई को कबूल कर रहे हैं नौ मई की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं आप अली अमीन गंडापुर और मियां असलम इकबाल को नॉमिनेट करके आप नौ मई की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं और आप दन के ये कह रहे हैं कि आपने ये किया है इसका मतलब और क्या है आप मुझे समझा दें इस इससे और और तो कोई मतलब निकाला ही नहीं जा सकता कि आप ये पैगाम किसको दे रहे हैं बिल्कुल सही बात की आपने कि बिल्कुल क्लियर है आप जिन इश्तेहारी मुलजिमों को वज़ी अल नामजद करे और जो नौ मई के लिए सबसे पहले हाईलाइट हुए और मेरिट पे इश्तेहारी हैं ये भी नहीं आपके इतला के मुताबिक अब तो श्वाद भी सामने आ गए प्रॉपर ऑडियो लीक्स, जूम मीटिंग्स प्रॉपर फ्री प्लानिंग्स सामने आ गई अगर देखें छोटी सी बात है कि अगर पहली बात है कि आपने आज के दिन तक नौ मई की मजम्मत नहीं की आप समझते हैं कि नौ मई आपका बहुत बड़ा कारनामा है आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं अपनी जमात से आप उसको एजाज समझ रहे हैं आज के दिन तक इससे तो यह साबित हो रहा है क्यों कि आपके पास तो पीपी -पी में 137 के करीब लोग पंजाब में जीते हैं इसी तरह केपीके में आपकी अक्सरियत है तो आप किसी भी गैर मुतनाज़ शख्स को नॉमिनेट कर सकते हैं कोई, कोई, no exactly. आप, आप किसी भी Uh, जो है ना नौ मई में मुलव uh, जो लोग नहीं हैं उनमें से आप किसी को और मुलव तो मेरी नज़र में uh, इनकी पूरी की पूरी लीडरशिप है सिर्फ ये है कि ब्राह रास्त जो है डिफरेंट ब्राह रास्त जो है इन्वॉल्वमेंट uh, जो है वो जिन नामों की है वो भी सामने आ चुके हैं बहुत से लोग बरह रास्त उसमें इन्वॉल्व नहीं थे बहुत से लोग जो हैं मैं नाम ले लेता हूँ शफकत महमूद जैसे जो लोग हैं उन्होंने इनकी उस कॉल पे कान नहीं धरे और वो चुप करके घर चले गए ठीक है वो निकले भी अगर तो वो कलमा चौक सी वापस उन्हें नज़र आ गया था कि ये क्या होने जा रहा है थोड़ा सा कलमा चौक से आ गए आए लिबर्टी चौक आएं, तो वहाँ पे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो उनकी वीडियो क्लिप्स वायरल हो चुके हैं वो कह रही हैं कि यहां कोई काम नहीं है चले जना हाउस पहुंचे पहुंचे जरा पहले गिरजा चौक पहुंचे फिर आगे हम चलते हैं कोटमांड्रा हाउस और वो यहां से लोगों को लेके जा रही है अस्क्री टावर पर हमला करने की वीडियोस ऑडियोज मौजूद हैं पुलिस की गाड़ियां जलाने की वीडियोस ऑडियोज मौजूद हैं और आप स्क्रिप्ट में ये भी लिख रहे हैं कि आपने जना हाउस के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म वहां से उठानी है और आपके भांजे ने आके वो यूनिफॉर्म बाहर चौक में लहरानी है आपने ये तो कोई हादसाती मोमेंट नहीं थी ये तो आपने सब कुछ प्लान कर रखा था और हैरत अंगेज <coughs> तौर पे उस घर के जो मकीन थे उस दिन <coughs> वो उस वक्त बिल्कुल कैजुअल एक ट्राउजर शर्ट में थे और उनकी यूनिफॉर्म जो थी वो हैंग हुई थी और यूनिफॉर्म उठा के ये लोग बाहर लेके आए और यूनिफॉर्म का जिस भांजा था राइट जी भांजे हैं और बड़े एक मारूफ तजिया हैं हफीजुल्ला न्याजी उनके साथ ज्यादे है और वो भी मफरूर रहे इश्तिहारी उन्हें करार दे दिया गया और फिर वो उनको गिरफ्तार कर लिया दूसरे सूबे से आई थिंक बलोचिस्तान से गिरफ़्तार करके तो उन्हें अब लाया जा चुका है और इस वक्त ए में वो भी ट्रायल भुगत रहे हैं तो कहने का मकसद है कि ये बिल्कुल आप का जो पॉइंट था कि आज भी आपके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है आज भी आप एक तशद और मज़ात की पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं और आप 9 मई को तस्लीम कर रहे हैं कि आपने किया बिल्कुल ठीक बात की आपने ये बहुत ही बड़ा सानिया था जो नौ मई को हुआ और इसको तो अब ब्लैक डे हिस्ट्री में कंसीडर किया जाता है और बहुत ज्यादी है जानी नुकसान कोई नहीं हुआ वो अल्लाह की तरफ से लेकिन आप सोचो कि जितना अफसोसनाक वाक्य और जितनी एक्शंस लिए गए हैं जो कि इरेलीवेंट थे वो बिल्कुल भी आ, किसी पॉइंट से एक्सेप्टेबल नहीं है सर मूविंग ऑन मुझे बताएं मौलाना फजल रहमान की मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि मौलाना फजल रहमान के जो शिकवे हैं वो हकीकत पर मुबनी है या उसके पीछे कोई और ही हकीकत है आपको ये शक पड़ा क्यों है मौलाना पे ये शक आपको ऐसे नहीं पड़ा आपके पास कोई खबर है मुझे लगता ये शक आपको पड़ा है ये मुझे भी शक था जब वो आए ना बड़ी एग्रेसि उन्होंने जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल और उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया है और उन्होंने नाम लिया इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि अगर ये इलेक्शन शफाफ है जिसमें हम हारे हैं तो फिर 9 मई का बयानिया जो है वो दफन हो गया उन्होंने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा प्रॉब्लम यह है कि मौल, मौलाना जो है वो बड़े मंजेब सियासतदान है और आ, हमारा भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन का काम है बिल्कुल अंदर कहानी कुछ और है वो ये है कि मौलाना साहब एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि उन्हें बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने दी जाए अच्छा ये वो कह नहीं रहे ये वो ना हाँ, प्रेस हाँ, कॉन्फ्रेंस कर, कर रहे हैं हाँ। कह नहीं रहे कि मैंने मनाओ मैंने मनाओ ठीक <laughs> है ना जी तो अब वो जो है ना रुस गए हाँ। और वो अब वेट कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब उनसे बात करें और आ, आ, तो साथ बात कर करें, इनका गठ जोड़ा है वो कह रहे हैं कि मैं तो नून पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे वो कह रहे हैं नून लीग को कि मैं नून लीग से कहूंगा कि वो हमारे साथ ऑपोजिशन पे बैठे हुकूमत बनाने के बजाय वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे अच्छा अब सूरत हाल ये है कि यहाँ थोड़ी सी आ, एक हमत और दानिश का मुजाहरा करना चाहिए आजिम अली जरदारी साहब को और आ, बाकी जो इतिहाद है अब तक का जे यू आई एफ के पास बलूचिस्तान में बुश्रा ग्यारह सीट्स हैं पीपल्स पार्टी के पास भी ग्यारह नंबर हैं मुस्लिम लीग नून दस पे है छः गालबा आज़ाद है छब्बीस वोटों से हुकूमत बननी है तो जब आप इतिहाद की बात करते हैं इलाहाक की बात करते हैं जब आप पी डी एम टू की बात करते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून ने वफाक में ने, usual, सिंध ले लिया तो अगर आप मौलाना को साथ रखना चाहते हैं तो आप उनको बनाने देंकूमत उनको करने दे। बनाने दें हाँ उनको आप क्यों बलोचि फिर तो ये गठजोड़ और ये पी डी एम इतिहाद जो है ये कामयाब हो जाएगा अदरवाइज़ मैंने जो देखा माजी में जब अदम अतमाद की तहरीक का मामला था पी टी एकूमत के ख़िलाफ़ और जब पी डी एम बनी और मौलाना को सरबरा बनाया गया तो जो शोज़ हुए थे तब जो रिलीज़ हुई थी जो जलसे हुए थे और जो पावर शोज़ थे उसमें एटी परसेंट जो क्राउड था वो मौलाना फजलान का था तमाम जमातें एक तरफ और सिर्फ मौलाना का जो क्राउड था और वो इतना एक मुस्तकिल मिजाज क्राउड है कि उनको दस दिन बैठना पड़े दस हफ्ते बैठना पड़े दस महीने बैठना पड़े वो बैठ जाता है वो हिलता नहीं है अब जो है मौलाना से फैसला साज बात करेंगे या, या ये जो है मैंडेटिक पोलिटिकल कमेटी जो है डेमोक्रेटिक जो एक कमेटी है आसिफ अली जरदारी साहब हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं अब्दुल अलीम खान हैं शबाज़ शरीफ हैं ये तमाम जमातों के जो सरबराहान हैं ये अगर बात करते हैं मौलाना से और मौलाना उनसे ये डिमांड करेंगे आज कर लें आज रात को कर लें कल सुबह कर लें अगले 24 घंटे में कर लें 36 में कर लें मगर मैं आपको बता के जा रहा हूं मौलाना फजलोरहान का जो मसला है वो बलूचिस्तान ने हुकूमत बनाया है मैं आप सही कह रहे हो मैं इस बात पे अभी यकीन करने exactly. के लिए तैयार हूँ। मौजूदा हाँ जो सरकमस्टेंसेस हैं उसमें ये सूरत हाल है अब वो अपना कितना हाइप बनाते हैं इसकी और साथ में वो पीटीआई से बात करने की भी एक उन्होंने वो सिग्नल दे दिया कि अगर आप ये नहीं करते तो मैं पीटीआई के साथ बात करने को तैयार हूं अब डिपेंड करता है के बानी चेयरमैन जो हैं जब उन्होंने आवाज लगा दी कि ना मैं पीपल्स पार्टी से बात करूंगा ना मैं नून लीग से बात करूंगा यानी कि पीटीएम से तो मैं बात करूंगा ही नहीं hmm. मैं बात कर लूंगा MWM से बात कर लूंगा मैं जमात इस्लामी से बात कर लूंगा तो अभी तक वो इनसे बात करते हैं या नहीं करते पीटीए की बात कर रहा हूं जी। मगर आ, मुझे लग रहा है कि आज रात तक शायद मौलाना से आ, ये शुरू हो जाएंगे और मौलाना यही डिमांड करेंगे जो मैंने आपसे शेयर की है और बहुत सारे चांसेस हैं इस बात के जे यू आई एफ को बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए एक उनका रास्ता हमवार किया जा सकता है सही हो गया डन हो गया सर एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि अगर इस नो मई के वाक्य में सजा सुनाई जाती है, है इमरान खान को तो आपको क्या लगता है कि कुछ सालों की होगी या कुछ ज़्यादा रिजिड हो बहुत एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और पूरी पीटीआई और पूरे मुल्क की जमातें और कौमी सलामती के इदारे कोर्ट के इस फैसले पर उनकी नज़र है और जाहिर है इंतज़ार भी है मुझे जो लगता है कि के एक केस में उनको हुई चौदह साल, साल एक में हुई दस साल एक में हुई सात साल टोटल इकत्तीस साल नौ मई में इन तमाम केसेस से ज़्यादा सज़ा होगी नौ मई में और वो भी ऐड हो जाएगी Obviously, वो, वो, हो तो, हो वो तो ऐड तो होगी मेरे, मेरे मेरा मेरा जो ख्याल है मुझे जो लग रहा है ये जितना खौफनाक केस है और आइंदा एक एग्ज़ाम्पल सेट करने की भी जरूरत भी है और एक मेरे ख्याल में आईनी तौर पर सजा तो आइनी तौर पर दी जाएगी कानून के मुताबिक दी जाएगी मगर यह है कि मेरा ख्याल है इसमें जो सज़ा होगी दोबारा कभी कोई जो है लश्कर और कभी कोई जो है ग्रो और कोई जमात इस तरह की हरकत करने का सोचेगी भी नहीं और मेरा ख्याल है कि ये जो आपका सवाल है इसमें इस केस में उन तमाम गुज्त जो केस डिसाइड हुए हैं उनसे ज़्यादा सजा हो सकती है बिल्कुल ठीक है थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस एंड थैंक यू फॉर हियर एंड वी विल बी कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑल रिगार्डिंग द पोस्ट इलेक्शंस रिजल्ट्स एंड ऑल्सो मेरे पास एक और सवाल है और एकदम से मेरे जहन में क्लिक किया रैप अप द क्वेश्चन सर असद कैसर जो है एक्स स्पीकर नेशनल असम्बली उनकी अड्याला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई और फिर बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगु करते हुए सारी कम सारी बातें बयान की मीडिया को जो इमरान खान ने उनसे कही तो सर उसमें वो जो बातें कर रहे हैं मैं चाहूंगी कि आप जरा मुझे बताएं कि क्या है, है चक्कर उसमें देखिए वही है वो कोई हम जो पहले जो हमारी डिस्कशन थी रवैये की बात कर रहे हैं वो जो जो गुफ्तु करके हैं जारी बात है सारी गुफ्तु तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर नहीं की होगी अलबत्तः वो अब भी एहताज की सियासत का पैगाम दे रहे हैं जी। और उन्होंने कहा है कि बानी चेयरमैन ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक वो पैगाम लेके आए कि वो किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और रियासत के खिलाफ जो है दर हकीकत आ, वो एहतजाज करेंगे जिसको वो हमेशा पुरमन एहत का आ, नाम देते हैं तो मुझे नहीं समझ आई कि ये पुरमन एहत जो है ये कब किया इन्होंने कभी इनका एहतजाज कभी पुरान राय नहीं पुरश्दुद इन्होंने एहताज किया इनकी रेलीज़ में जो है वो सैकड़ों की तादाद में गने पकड़ी गई असला पकड़ा गया बारूद पकड़ा गया और वो जो है ना एहतजाज को वो पूरा मन कह देते हैं बड़ी आसानी से तो असद असर एक तो ये पैगाम लेके आए दूसरा उन्होंने ये बताया कि मियाँ असलम इकबाल को उन्होंने जो है वो नॉमिनेट कर दिया है यहाँ पे जो इश्तारी हैं आ, पंजाब में तो बहरहाल ये है कि मेरा सैटरडे को आ, वो एहतजाज की कॉल देंगे आ, मुल्क भर में और वो एहतजाज इसलिए करेंगे कि उन उनका ये मौक़ है कि उनकी सीट्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा आ, होनी चाहिए थी मगर सीट बहुत कम है तो इस इशू पे वो एक एहतजाजी यानी कि वो सड़कों पर भी हैं वो हकूमत भी बनाना चाहते हैं और उसके अलावा जो है आ, अमेरिका ने भी हाँ आ, कहा कि इसकी तहकीकात की जाए उस पर मैं मुझे कोई ज्यादा हैरानगी नहीं थी इस बात पे उन्होंने उनके कहने पे मगर मुझे एक खुशगवार हैरत हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अनवारुल काकड़ साहब जो हैं उन्होंने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया कि ये आपका इशू नहीं है आप कौन होते हैं ये अमेरिका से कहा उन्होंने मुझसे नहीं कहा आप मेरी तरफ देख रही जी, जी। उन्होंने थी अमेरिका थी थी। को आ, तर्जुमान के वाइट हाउस के उस स्टेटमेंट के बाद उस प्रेस रिलीज के बाद उन्होंने ये जवाब दे दिया है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है यहाँ इलेक्शन की शफाफियत उसमें धांधली अगर हुई है उसकी तहकीकात वो तो ऑलरेडी हो रही हैं अगर कहीं पे इश्यूज हैं जा आ रही हैं सलमान राजा का केस चल रहा है मुख्तलिफ हलो में आन जा, आन जा, जा रही हैं कोर्ट्स में हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में है वो तो हो रहा है लेकिन जी 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 गरज के के कहा उन्होंने कहा कौन होते हैं कोई जो महाज है उस पर बात करे

आपकी जो बात है इसको नज़रअंदाज नहीं, नहीं।, नहीं इस सिचुएशन को देखे? है उसमें देखें उसमें इन्होंने एक इससे पहले भी बैन अवी एक फर्म भी हायर की थी आ, इनकी लॉबिंग के लिए और इसमें उनका एक्स ससुराल भी शामिल है जी। और जो है इनकी जो एक्स वाइफ हैं जमाइमा खान वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं नौ मई के बाद से और ये जो है इस तरह की इतलात ज़रूर हैं कि ये जो अचानक से कभी नौ मई के बाद जब जो यो, यूरोप की मुख्त कंट्रीज से भी आ, कभी ना कभी आवाज आना शुरू हुई थी और फवाद चौधरी वाला मामला जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ से मिले थे जी, तो इस तरह की आ, बिल्कुल सूरत हाल है और इसके भी सबूत मौजूद है चले मैं ये भी बता दूं जिस तरह मैंने आपको नौ मई की, की, की जी 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 इन्वेस्टिगेशन चाहिए जी जी बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन की बात हुई और ये आज की बात नहीं है जब जब इन्होंने मगरब को पुकारा और अपनों को ललकारा उसके भी सबूत मौजूद है ठीक है सर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में इस हवाले से ही बात करेंगे कि uh, कब कभ कभी सिचुएशन आई कि ही हैड टू कॉल ऑन दी अदर साइड मिस्टर इमरान खान एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज लेटेस्ट इन्फॉर्मेश विद अस एंड जस्ट स्टे टून फॉर मोर पोलिटिकल अपडेट्स एंड वी विल लेट यू गैट नो कि वैन डिड मिस्टर इमरान खान कॉल द अदर साइड लेकिन फॉर देट जस्ट एन डू नॉट फर गेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आर पॉडकास्ट बाय बाय Musica Musica